देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त और यहाँ की जिलाधिकारी ने एक अद्भुत प्रयास किया है। आगे आईडी ना गोंडा की माँ बहनों को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो खुद आत्मनिर्भर भी बन सके और गोंडा के विकास में अपने आप को भागीदार बना सके, इस बात की चिंता जिला प्रशासन गोंडा ने किया है और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर, हमारे सीडीओ साहब और उनकी पूरी टीम ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और पूरे गोंडा के जो लोकल हमारे उत्पाद हैं और विशेष तौर पर जो महिला समूह के जो उत्पाद हैं उनको एक ब्रांड देने के लिए अर्गा ब्रांड के नाम से इन लोगों ने उनकी एक अलग पहचान प्रदेश और देश के अंदर बनाने का जो एक प्रयास किया है। आज अर्गा ब्रांड जो गोंडा का ब्रांड आगे चल के बनेगा उस नाम से विख्यात होगा, आज उसका लोकार्पण का अवसर है जिसमें हम सब लोगों को आने का मौका मिला। मैं अपने सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिकारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और हमारे जो समूह की माँ बहनें हैं मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके उत्पाद को एक अच्छा बाजार जो उपलब्ध, मैं बधाई देना चाहता हूँ। मंत्री जी, राजद के विधायक हैं रतिलाल यादव, उन्होंने रामचरित मानस को विवादित बयान देते हुए कहा है कि रामचरित मानस मस्जिद में बैठ कर लिखा गया था, तब तो हिंदुत्व खतरे में नहीं था, यादव नहीं रुके थे। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर इतना ही हिंदुत्व का सहभागी बना है तो वो सीधे मुस्लिम से भी भागीदारी निभाइए। अरे भाई, इतना बढ़िया कार्यक्रम में अब ऐसी टिप्पणियों का हम लोग क्या जवाब दें? हमको बताइए कि यहाँ उत्तर प्रदेश और देश के अंदर 2014 के से ही 2014 से ही जो आसुरी विचारधारा के लोग हैं उनको जनता ने जवाब दे दिया है और देश की राजनीति से ऐसे लोगों को बेदखल करने का देश की जनता ने संकल्प लिया है, बेदखल कर रही है। बेवजह का बयान देना, उत्पटांग बयान देना, जो अपने फ्रस्ट्रेशन को सामने रखने का जो इस तरह का एक गलत मानसिकता से और बार बार हिंदू जो है भावनाओं को आहत करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से हो रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है और ना ही ऐसे बयानों पर या इस तरह की सोच और मानसिकता को जनता कभी समर्थन करने वाली। मंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर भाजपा सेना लग गई है। अब वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कह दे, उनके दो मंत्री उनके एक डिप्टी सीएम एक मंत्री जेल काट रहे हैं और जिस तरह की जांच आगे बढ़ रही है उनको जो डर सता रहा है कि हमारे भी भ्रष्टाचार की पोल न खुल जाए, हमको भी न जेल जाना पड़े, तो आप अगर भ्रष्टाचार में आपके नेतृत्व में आपकी टीम ने जो भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को लूटने का काम किया है, जांच चल रही है, अगर उसके दायरे में आप आएंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। ये सब घूम कर आप नौटंकी कर रहे हैं, इन नौटंकियों से आप बचने वाले नहीं हैं और ना ही जो हमारी एजेंसियां हैं आपके इस तरह के बयानों से दबाव में आने वाली है। एजेंसियां स्वतंत्र है, स्वतंत्र तरीके से काम करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र सामाजिक व्यवस्था के चलते हजारों लोगों ने देश छोड़ दिया है, 65,000 लोगों ने भ्रष्टाचारी टैक्स को लेकर देश छोड़ दिया है, इसमें क्या कहेंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को हम तो यही उनको सलाह देंगे कि थोड़ा सोशल मीडिया के दायरे से बाहर निकल जाए और ट्विटर खेलना बंद करें, जनता के बीच में जाने का काम करें, तब जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार जो काम कर रही है उसकी किस तरह से स्वीकार्यता जनता के बीच में है, उसका एक उदाहरण अभी निकाय चुनाव बीता है उसमें भी देखने को मिला। अब ये पता नहीं क्या छटपटाहट है, अब इनको चाहिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कभी मुद्दे की इनको बात नहीं करना है,
का भी उल जुलूम की बात करना है। आप भाई जनता के बीच में जरा सा जाइए, जनता से समझिए, जनता से जनता के बीच में जाएंगे तब जाकर जनता की भावना। गोंडा से वैभव वर्मा की रिपोर्ट।